नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंद्रा क्लास में और स्वागत है आपका मैथ पैडागोजी की क्लास फिफ्थ में। दोस्तों अब हम चार क्लासेस बना चुके हैं और उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले केवल इतना कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों देखते हैं, आज हम लेके आए आपके लिए NCF 2005, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम NCF 2005 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी पहले फुल फॉर्म देख लें कि फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है NCF की कि नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आया कहाँ से दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। उनका एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ठीक है। वहाँ से इसका उद्धरण हुआ है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम, ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम इसको बोलते हैं। अब सभ्यता और प्रगति से इसे लिया गया है और इसके जो एक विकास मंत्रालय के जो मंत्री थे, जो प्रोफेसर थे यशपाल जी, उन्होंने इनके बारे में NCF में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बनाने में इनको उनका। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि NCF में क्या है और गणित से संबंधित क्या क्या इसके उद्देश्य थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धांत की, क्योंकि इसके सबसे पहले सिद्धांत पढ़ना ज़रूरी है कि इसके क्या क्या सिद्धांत थे, क्योंकि सिद्धांत थे दोस्तों इसके पाँच, ठीक है। सिद्धांत कितने दोस्तों, पाँच। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ दोस्तों, पहला था, ठीक है। तो दोस्तों पहला सिद्धांत क्या था, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं या गणित में या किसी सब्जेक्ट में, तो वो सिद्धांत जो थे पांचों सभी पैडागोजी में आते हैं और इसके मुख्य सिद्धांत हैं ये पांच, कि आप जो बच्चों को स्कूल में ज्ञान दे रहे हो उसको बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, कि आपने बच्चों को सिखाया कि आपको 50 रुपये की चेंज लेके आना है, तो उसको बाहर के जीवन से ही उसको हम जोड़कर सिखा सकते हैं। दूसरा था पॉइंट इसमें दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट था इसका, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्ति, मतलब पढ़ाई को रटंत प्रणाली ना बनाया जाए, बच्चों को डीपली समझाया जाए, डीपली सिखाया जाए इस तरीके से कि उन्हें रटने की ज़रूरत दोस्तों ना पड़े, ठीक है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट था दोस्तों इसको, अगला पॉइंट है आपका कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित ना रहे, कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो यहीं की नॉलेज ना रह जाए, कि बच्चे को केवल जो किताब में है केवल हम वही सिखाएं, केवल वही ज्ञान दें, उसको अलग से भी ज्ञान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट था जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट था कि तो दोस्तों अगला पॉइंट था इसका कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसको लचीला बना जाए, कि कक्षा कक्ष जो है उसमें प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जाए, गतिविधियों से जोड़ा जाए। और पांचवा जो था वो था और इम्पोर्टेंट, वो था कि ये अगला पॉइंट था दोस्तों कि बच्चों को राष्ट्र के प्रति आस्थावान बनाना चाहिए, कि बच्चों को राष््ट्र की भावना सिखानी चाहिए और राष्ट्र से संबंधित जो चैप्टर हैं उनको डीपली समझा के बच्चों को बताना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर राष्ट्र की भावना जागृत हो। तो देखिए ये पांच आपके NCF के पांच मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे, यही थे कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, जो ज्ञान है वो बच्चों को बाहर के जीवन से उसको जोड़कर समझाया जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, कि जो बच्चे रटते हैं ना, राम 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 करके ऐसे रटते रहते हैं, उस प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्य पुस्तक तक केंद्र ना रहे, कि बच्चों को जो पुस्तकों का जो ज्ञान है वो पुस्तकों तक ना रहे और बाकी का भी ज्ञान बाहर का उन्हें दिया जाए। चौथा था
कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, मतलब कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना है कि उन्हें पूरे प्रैक्टिकली बता के समझाया जाए और बच्चों को राष्ट्र के प्रति आस्थावान बनाना चाहिए कि बच्चों को जो राष्ट्रीय भावना है उनके अंदर वो जागृत करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस वजह से ये पाँचवा पॉइंट डाला गया था जिससे कि पुराने जो हमारे शहीद हैं या फिर अच्छे लोग थे उनके बारे में उन्हें ज्ञान मिल सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों NCF के उद्देश्य की कि गणित के प्रति उसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो दो उद्देश्य थे वो हम अब देखते हैं। देखेंगे NCF का जो उद्देश्य था गणित में वो क्या था और क्या क्या वो उद्देश्य थे। केवल दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था दोस्तों कि बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बच्चों में जो सोच है गणित के प्रति उनकी केवल आपको गणना करनी, उनको समझना है और किस प्रकार से बच्चे के समझ में आ सकता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बच्चों की सोच का गणितीकरण करना कि बच्चे की सोच क्या है, किस प्रकार से वो गणित को समझ सकता है और बच्चों में गणित के प्रति सोच क्या है कि उनको ऐसा तो नहीं लगता कि गणित बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, सिंपल नहीं है। दूसरा था दोस्तों अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना। अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान ढूंढना। ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान ढूंढना। देखिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और आपसे पूछे भी जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि बच्चों की सोच का गणितीकरण, कि बच्चों को सोच गणितीकरण, उनको उनकी सोच को देखना कि उनको ऐसा तो नहीं लगता कि गणित कोई हार्ड सब्जेक्ट है और किस प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। दूसरा था अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान ढूंढना। अमूर्त विचार, देखिए बुद्धि दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त विचार वाले जो बुद्धि वाले जो होते हैं वो वैज्ञानिक वो बनते हैं, आपके लेखक बनते हैं, सलाहकार बनते हैं, एडवाइज़र बनते हैं। वो किस में आते हैं दोस्तों? अमूर्त विचारों, मतलब अमूर्त विचारों को मतलब खुद से करके सीखें बच्चे, इस प्रकार से उन्हें समझाना कि आपको खुद अपने आप मैथ को क्वेश्चनों को और को सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे दो। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ये क्वेश्चन आया था कि उच्चतर के उद्देश्य क्या था, उच्चतर और अमूर्त विचार अगर आ जाता है कभी तो आपको दोस्तों गलत करना है। क्या करना है? गलत करना है, क्योंकि इसमें लग गया शब्द उच्चतर के उद्देश्य में केवल आपको देखना अमूर्त विचार। और अगर उच्चतर की बजाय अगर यहाँ प्राथमिक आ जाता दोस्तों, क्या आ जाता? प्राथमिक आ जाता तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। अगर वो कहता कि बच्चों को क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर अमूर्त विचारों के साथ क्या करना है, सीखना है या कार्य करना है, तो आपका ऑप्शन सही होता। अगर आ जाता उच्चतर के लिए तो ये आपका ऑप्शन गलत होता, क्योंकि NCF जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए है। प्राथमिक स्तर के लिए गणित में क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए NCF है। तो प्राथमिक और अमूर्त विचारों की बात करता है तो उसके उद्देश्य में आता है, लेकिन उच्चतर शब्द लग जाता है तो आप उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तब जाके उसका आंसर दें। ऐसा ना हो पूछ कुछ रहा है और आप कुछ समझ के आंसर अलग दे रहे हो। तो ये तो दो उद्देश्य। और समस्या क्या है इसकी दोस्तों? वो दो तीन समस्या हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद आपका NCF क्लियर हो जाएगा। गणित के प्रति समस्या क्या है? हम पूरा NCF की बात नहीं कर रहे कि गणित से संबंधित समस्या क्या है, केवल हम उनकी बात करेंगे। तो समस्याओं की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो समस्या क्या है कि दोस्तों पहली समस्या है कि बच्चे जो हैं गणित को लेकर डर, बच्चों में क्या दोस्तों, बच्चों में गणित को लेकर डर। क्योंकि बच्चों को नाइन्थ में, जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि नाइन्थ में आ गई तो आपको जरूरी नहीं मैथ पढ़ें, होम साइंस पढ़ लें, लेकिन बाद में उन्हें आवश्यकता मैथ की पड़ती है। तो बच्चों के अंदर ये डर ना पैदा करें, ये समस्या होती है। ये समस्या क्या है कि बच्चों को डर लगता है कि मैथ बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, वो डर को क्या करना है? समाप्त करना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है दोस्तों कि पहली तो होगी बच्चों के लिए गणित का डर, और दूसरा होता है कि जब हम गणित में मूल्यांकन करते हैं, गणित में मूल्यांकन करना, ये और समस्या दोस्तों कि जब वो मैं अभी आप जी जो क्लास फोर्थ है वो है आपकी मूल्यांकन और मापन वाली, तो उस आपको डिटेल में समझाया गया कि मूल्यांकन और मापन का, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो गणित में मूल्यांकन का
मूल्यांकन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो समस्याएं हैं इसकी जो कि इम्पोर्टेंट हैं, दो ही उद्देश्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट है गणित से संबंधित। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली हैं और यहाँ से क्वेश्चन 101% आपका मैथ की पेडागोजी में आता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।